स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टिहरी जनपद के चंबा को ODF प्लस प्लस शहर घोषित किया गया है। नगर पालिका परिषद चंबा के दावों का निरीक्षण करने के बाद शुक्रवार को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। चंबा शहर प्रदेश की पहली निकाय है जिसे खुले में शौच मुक्त अभियान में डबल प्लस घोषित किया है। इस श्रेणी में नगर निगम देहरादून के दावे का भी निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत अगस्त मुनि को ODF प्लस में पहला और नगर पालिका परिषद मुनि की रेती को दूसरा स्थान मिला है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में 877 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां होंगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए लोक सेवा आयोग में पहले ही अधियाचन भेजा जा चुका है, लेकिन न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से नियुक्तियां लटक गई थी। अब न्यायालय से भी नियुक्तियां का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19 महाविद्यालयों के कार्य अभी अधूरे हैं, अधूरे कार्यों को 31 मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाए। रुक करते हैं तीसरी खबर का। उत्तराखंड में उर्दू शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा विभाग के 4 अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इस बाबत शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के निर्देश जारी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 15 दिन में रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए। आरोप है कि इन अफसरों में बिना शिक्षा प्रमाण पत्रों की जांच कराए अपात्र 52 लोगों की नियुक्ति बतौर उर्दू शिक्षक कर दी गई थी। शिक्षा विभाग में वर्ष 2005 से 2013 के दौरान उर्दू शिक्षकों की भर्ती की गई। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और चमोली जिलों में प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली के मानकों की अनदेखी कर यूपी के अलीगढ़ की एक संस्था के प्रमाण पत्रों को हाईस्कूल इंटर और स्नातक मानते हुए शिक्षकों को पदों पर भर्ती कर दिया। रुक करते हैं एक और खबर का। यहां पर पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी से हो रही मुसीबतों से फिलहाल लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये परेशानियां कम हो सकती हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में लगातार चलाए गए अभियान के बाद मसूरी पेट्रोल पंप से लेकर गांधी चौक तक जमा बर्फ को हटाया जा रहा है जिससे यातायात सुविधा बहाल हो सके, लेकिन मसूरी पेट्रोल पंप के पिक्चर पैलेस चौक तक सड़क पर जमा बर्फ के ऊपर पाला गिरने की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा के 318 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद कोर्ट खुलने पर होगी। कोर्ट में दायर याचिका में पदोन्नति नियमावली में संशोधन कर सभी पदों पर सीधी भर्ती का आरोप लगाया है। वन आरक्षी वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने वन दरोगा के पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 18 दिसंबर को जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि वन विभाग की भर्ती नियमावली 2016 के अनुसार वन दरोगा के 66% पद फॉरेस्ट गार्ड से पदोन्नत कर भरे जाएंगे, जबकि शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 2018 में शासन ने इस नियमावली में संशोधन कर फॉरेस्ट गार्ड को वन दरोगा के पदोन्नति के लिए कम से कम 10 साल की सेवा की शर्त लागू कर दी।